नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत इजी वे से आपको बटर चिकन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं बटर चिकन कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, उसमें मैंने करीबन 1 चम्मच नमक और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दही यूज़ किया है। दही को मैंने पहले से फेंट के नहीं रखा है, मैंने इसमें डायरेक्ट दही दिया है। और 1 चम्मच जीरा पाउडर और करीबन 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए अलग से रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा बटर यूज़ किया है, ज़्यादा बटर इसमें नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा बटर लिया है। ये बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने करीबन आधा चम्मच जो है वो जीरा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लहसुन की कली ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक। और मैंने यहाँ पर करीबन 2 मीडियम साइज के प्याज यूज़ किए हैं। इसे हमें थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये पूरे प्रोसेस हम एकदम लो फ्लेम में करेंगे, बिल्कुल फ्लेम को हाई नहीं रखना है। हमने अभी टमाटर ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर यूज़ किए हैं। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम में आपको इसको नहीं पकाना है। टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, थोड़ा सा हल्का गल नहीं जाता, तब तक हमें इसे पकाना है और इसे हमें ढक के पकाना है। देखिए मैंने यहाँ पर बीच में ढक्कन खोला है, ये अभी थोड़े और सॉफ्ट होने बाकी है। हम इसे फिर से ढक देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वेजिटेबल्स थे वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अलग से एक प्लेट में रख लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर इसका हमें एक एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब हमने उसी कढ़ाई में तेल और बटर दोनों ही यूज़ किए हैं और उसमें करीबन 1/2 टीस्पून हमने जीरा दिया है और 2 लाल सूखी मिर्च। अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ये चिकन को बिल्कुल ज़्यादा चलाना नहीं है, बस इसी तरीके से छोड़ देना है। और पानी अभी बिल्कुल मत दीजिएगा, ना ही कोई मसाला अभी देना है। बस इसी तरीके से हमें ढक के 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक कि दही का जो पानी निकलेगा वो जब तक सूख नहीं जाता अच्छे से और चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और फ्राई नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसे इसी तरीके से पकाना है, ढक्कन लगा के और फ्लेम एकदम हाई रख के। इसमें हमें फ्लेम एकदम हाई रखना होगा, फ्लेम कम मत कीजिएगा। इसमें एकदम हाई फ्लेम में हमें चिकन को पकाना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बार बीच में ढक्कन निकाला है, अभी और भी थोड़ा सा हमें ढकना है। यहाँ पर मैं फिर से इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए और मैं इसे ढक दूंगी। देखिए अब पूरा जो पानी है, दही का जो पानी था वो बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पर मैंने मिर्ची का यूज़ अभी तक नहीं किया है, तो मैंने हरी मिर्च जो है वो मैंने बीच से स्लाइस करके कट किए हुए हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किए हैं। हमें हरी मिर्च को पीस के नहीं देना है, हमें हरी मिर्च को इसी तरीके से देना है, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। इसीलिए हमें हरी मिर्च को इसी तरीके से देना होता है। अगर आप पीस के देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था उस पेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है। देखिए इस पेस्ट को हमने हमें अच्छे से चिकन के साथ ऐड करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कब आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर अब मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप थोड़ा बीच में चख के देख लीजिएगा, क्योंकि नमक अगर आपके सब्जी में ठीक नहीं होती है तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। और मैंने यहाँ पर 1 आधा चम्मच जो है करीबन गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद हमें इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में करीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना होगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी, जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट थोड़ा सा रह गया था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जस्ट 1/2 कप से भी कम पानी देके मैंने इसमें ऐड किया है। फिर मैंने इसको फिर दोबारा ढका है। यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है कस्तूरी मेथी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कस्तूरी मेथी ऐड नहीं करनी है, आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही होगा, लेकिन कस्तूरी मेथी अगर आप ऐड करते हो तो इससे टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। कस्तूरी मेथी देके हमने फिर से 2 मिनट के लिए इसे ढक दिया था। ये देखिए, बटर चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप कोई कमेंट करते हो या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा। आज बस यही तक, धन्यवाद।